यहाँ पर मैंने लिया है रसगुल्ला, जो कि देख सकते हैं ये एक पैकेट है, मतलब आधा किलो होगा, और आधा किलो में से थोड़ा सा कम है क्योंकि कुछ मैंने निकाल भी लिए थे। तो ये रसगुल्ले ना काफ़ी सारे आ गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ इसका कुछ ना कुछ तो बना लूँ, क्योंकि इस तरीके से हम 2 पैकेट ख़त्म कर चुके हैं। तो कुछ नए स्वाद के लिए नई चीज़ें बनाने जा रही हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ दोबारा से जो रेड कलर का जो बटन होता है जिस पर सब्स लिखा होता है उसको प्लीज़ मत दबाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे मैंने आधा किलो रसगुल्ला लिया है और दूध उबालने के लिए मैंने रख दिया है। ये मैंने दूध डाल दिया है उबलने के लिए। जैसे ही उबलेगा फिर हम आगे का। यहाँ पर मैंने कलर डाल दिया है थोड़ा सा, क्योंकि आपने जब देखा होगा कि बाहर में हम खाते हैं ना रसमलाई, तो बिल्कुल ही ऐसे येलो येलो सा रहता है, मतलब ऑरेंज कलर रहता है। तो आप चाहें तो केसर के धागे भी डाल सकते हैं, मैं भी डालूंगी, और चाहे तो ये कलर होता है फूड कलर वो डाल सकते हैं। और इस तरीके से इसको अभी उबलने देना है हमें। ये दूध काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है जैसे उबल चुका है और गाढ़ा भी हो गया है। और ये जो मलाई साइड में जमा जमा हो रही है ना, तो इसको हम मिलाएंगे नहीं, इसको बाद में निकालेंगे, तो ये देखने में भी अच्छा लगेगा। तो दूध बस इतना ही गाढ़ा हमें करना है, इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। तो इसमें कुछ चीज़ें मैं डाल देती हूँ, जैसे कि यहाँ पर थोड़े से नारियल के पाउडर हैं, ज़रा सा मैंने बादाम काटा हुआ 3-4, और ये पिस्ता है। तो बाहर जो हम खाते हैं ना रसमलाई, उसमें ये चीज़ें नहीं रहती है, थोड़ी सी पिस्ता रहती है। ये ऑप्शनल है, डालना चाहे डालें, नहीं डालना चाहे नहीं डालें, लेकिन क्योंकि मैं घर में बना रही हूँ तो इसलिए मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। तो यहाँ पर ज़रा सा नाम सारा ही डाल देंगे और पिस्ता भी। तो पिस्ता का यहाँ पे ना बहुत अच्छा स्वाद आता है। और इसको हल्का सा ऐसे चला देंगे, बस इतना ही गाढ़ा हमें करना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, नहीं तो फिर ना दूध बहुत गाढ़ा हो जाएगा। और ज़रा सा चीनी डालना है, उतना ही जितना कि ये दूध बस मीठा हो जाए। तो मैं यहाँ पर 1.5 चम्मच चीनी डाल रही हूँ, और इसको थोड़ा सा और अभी उबालेंगे चीनी घुलने तक। तो अब ये दूध बिल्कुल ही हो चुका है, अब इसे बंद कर देते हैं, गैस को ऑफ कर देते हैं, और ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। अब इससे ज़्यादा गाढ़ा हमें नहीं करना। और ये जो आप देख रहे हैं ना मलाई, ये रहने ही देना है, इसको बहुत अच्छे से नहीं मिलाना, थोड़ा थोड़ा आप मिला लें, लेकिन वैसे बस इसको ऐसे इस तरीके से निकाल के, ये देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है, तो इसको कुछ इसी तरीके से रहने देंगे। अब गैस को मैं ऑफ कर रही हूँ और ठंडा होने देंगे इसको, उसके बाद इसके अंदर कुछ और डालेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने बनाया क्या है। मैं एक्चुअली रसमलाई बनाई है, तो रसमलाई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने रसगुल्ला लिया है। थोड़ा सा इसको हम दबा देंगे, क्योंकि आप घोल वाला भी खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप चपटा ही खाएं। तो ये रस होता है इसके अंदर काफ़ी, मतलब इसके अंदर मिठास बहुत ज़्यादा होती है, तो चाहे तो आप घोल भी रखें या फिर थोड़ा सा चपटा कर दें इसको।
उसके बाद यहाँ पर हमने जो अभी दूध का बनाया है ना गाढ़ा रबड़ी, तो वही रबड़ी हम इसके ऊपर डाल देंगे। देखिए दोस्तों, ये ना जब आप मार्केट में रसमलाई खाते हैं ना, तो उसके घोल जो होते हैं ना, दूध जो होता है वो बहुत ही पतला होता है। क्योंकि मैंने घर में बनाया है इसलिए थोड़ा सा इसको गाढ़ा कर दिया है। आप अगर चाहते हैं कि थोड़ा पतला ही रखो, तो आप बिना ड्राई फ्रूट्स के, मतलब बिना कोकोनट के भी बना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, वो बहुत अच्छी बनेगी। या फिर अगर आपके पास है तो आप कुछ इस तरीके से डाल के बना लीजिए, ड्राई फ्रूट्स ही तो है, अच्छा ही लगेगा। तो देखिए ये बन गई, और कैसी लगी वो ज़रूर बताइएगा। इंतज़ार रहता है कोई भी रेसिपी अगर मैं बनाती हूँ तो थोड़ा सा इंतज़ार रहता है कि मैं कैसी बनाई हूँ, कमेंट भी करें। वैसे फ्री, बाय बाय, है ना एकदम बाजार जैसी। देखिए तो दिवाली चली गई और रसगुल्ले बच गए हैं, तो फटाफट इस रेसिपी को बना लीजिए, बच्चे भी पसंद करेंगे, क्योंकि बच्चों को खास कर रसमलाई बहुत पसंद होती है। तो फटाफट रसमलाई की रेसिपी बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।